Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। हम किसी के घर नहीं जाते और एक साल पहले की बात हमें क्या याद रहेगी। तुम हमें ये बताओ कि तुम किस खुशी में हमारी सालाना पिकनिक पर आ गई हो। किसने बुलाया तुम्हें? सरमद ने? नहीं आंटी, वो मोमी, आपकी भतीजी। भाई उसका नाम मोमी, टोनी, शोमी जो भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम ये ड्रामा बंद करो बस। ड्रामे? कौन से ड्रामे कृष्णाला? तुम शायद मजाक समझ रही हो, लेकिन दरअसल मोमी ही अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं सचमुच उसे पसंद करता हूँ। आई लव हर। लॉकर की चाबी वो गुम हो गई मुझसे। गुम हो गई है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने मैनेजर को फोन कर दूंगी, बैंक के पास डुप्लीकेट की होती है। खैर हमारे वकील के पास उस फाइल की एक कॉपी भी है। किन सोचो मैं गुम हो, मुस्कुरा रही हो, तुम्हारे लिए दूध लाई हूं। पता नहीं भाभी, इस घर में मेरे बच्चों की खुशबू है, पता नहीं इन दोनों के जाने के बाद मैं कैसे जीऊंगी। इसमें परेशानी वाली क्या बात है, इसीलिए तो कहती हूँ कि रोशाने हमें दे दो। मेरा मतलब है अभी नहीं, पढ़ाई से फारिग होने के बाद, बस हमें दे देना। वो भाई मुझे बता रहे थे कि उनसे लॉकर की चाबी कहीं गुम हो गई है। मैंने बात की थी अपने बैंक मैनेजर से, उनके पास डुप्लीकेट की है। लॉयर को भी फोन कर दिया है मैंने, वो एक आध दिन में उसकी कॉपी भिजवा देंगे मुझे। आखिर पता तो चले कि उस वसीयत में आखिर लिखा क्या है। अरे छोड़ो समिया इन बातों को, तुम्हारे भाई कोई लालची थोड़ी है कि इस मकान पे दांत गाड़े बैठे रहेंगे, और हमें कौन सा लालच है इस घर का। वो तो आप ठीक कह रही है भाभी, लेकिन कभी ना कभी तो वो लॉकर खुलना ही है, तो फिर कल क्यों नहीं। बातों में लग गए हम, चलो दूध पियो। ये बताओ बच्चियों का फोन आया था? नहीं भाभी, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी अभी तक, शायद सिग्नल नहीं आ रहे वहां पे। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बिला वजह के वहम ना करो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इस वक्त अपनी सेहत का ध्यान रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाती हूँ, ठीक है? बाजी ने कहा था इस ज़ुफ़ूफ़ वाले खाने को खाकर वो हमारे मुरीद और ताबेदार हो जाएंगे, हम पर लट्टू हो जाएंगे, हमारा हुक्म मानकर हमारे साथ साथ रहेगी। ला 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 ला। बोटी की प्लेट ये वो इतनी सारी, मैं कैसे फिर लोगों को बना के ही खिलाता रहूंगा, मैं खुद भी खाता हूं, नहीं हाथ से खाऊंगा। कुछ अजीब सी है, लेकिन मुफ्त गया क्या होता है। अंजुम, अंजुम आ रहा। आई एम कमिंग अंजुम। वन मोर ओनली लास्ट।
मतलब बहुत अच्छे हैं। अब जितना जल्दी हो सके ना आप उसे मंगनी करें। मंगनी? तुम्हारी जुरत कैसे हुई मेरे सामने बैठने की? किसने दिया तुम्हें ये जुरत? वो अंजुम, आपने। इतनी देर लगा दी आने में, मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी, इतना मिस कर रही थी, तुम्हारे बगैर मजा ही नहीं आ रहा था। I'm so glad you're here. अच्छा ठीक है वो रोशाने का। अच्छा चलते हैं ना, चलो मेरे साथ। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। वैसे तुम बहुत स्वीट हो, तुम्हारे घर में आने से घर में रौनक आ गई है। रोशाने, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। खाने के बाद तैयार रहना, चलेंगे हम दोनों। तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, हम लोग ढेर सारी बातें किया करेंगे। यार मैं भी तो अकेला हूं ना, ना मेरा कोई भाई है, ना कोई बहन, ना ही कोई दोस्त। तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ। आप सरदर्द में मुस्कुरा रहे हैं। वो उनके आ जाने से आती है मुंह पे रौनक। वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। मोमी, कितनी रोमांटिक रात है ये ठंडी महकती हुई रात, और इसमें ये खुशबूदार हवा जो कि तुम्हारी खुशबू मेरे पास लेकर आ रही है। व्हाट एन एम्बियंस, बिल्कुल ऐसा है जैसे अक्सर फिल्म्स में होता है। नहीं सर, मैं हम रोमांटिक फिल्म्स नहीं देखते। कौन सी टाइप की फिल्म्स देखती हूँ? हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं जिसमें मछलियाँ, सांप, मगरमच्छ वगैरह होते हैं। अच्छा वो देखो, वो आसमान में चमकता हुआ चांद, वो भी हमें ही देख रहा है। तालाब में पानी देखो। मम्मी, तुमने मुझे अपने उस रोमांटिक ख्वाब के बारे में नहीं बताया, उसके बारे में कुछ बताओ ना, ताकि फिर मैं भी तुम्हें कोई रोमांटिक ख्वाब सुना सकूं अपना। मेरा ख्वाब ओल्ड होम। सर मैं यहाँ एक ओल्ड होम बनवाऊंगी जिसका नाम होगा मेरा आशियाना, जिसमें बूढ़े, बच्चे, बेसहारा लोग, उन सबके लिए मुफ्त होगा, जिसमें परिंदे भी होंगे, सारे जानवर होंगे। हाउ रोमांटिक, बहुत ही रोमांटिक आइडिया है ये। और बताओ, मैं तुम्हारे इन पाकीज़ा ख्यालात से घायल हो चुका हूँ मोनी। और बताओ, मैं और सुनना चाहता हूँ। और पता है सर, मैं जब नींबू का मौसम आएगा ना, तो यहाँ सारी बेसहारा औरतें बैठकर नींबू का अचार बनाएंगे। हाँ, मेरे पास ना नानी जान के अचार बनाने की तरकीबें भी, बहुत बुरा। मेरे कहने का मतलब है, सिर्फ लीमू का ही अचार क्यों? अचार तो कैरी का भी हो सकता है, हरी मिर्च का भी हो सकता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, कैरी का अचार, मिर्चों का अचार और लहसुन का। और जब वो ऑर्गेनिक अचार बन जाएगा ना, तो उन्हें बोतलों में बंद करवा कर मैं बाजार भिजवाऊंगी। और पता है, शहद की मक्खियों के छत्ते भी होंगे। जबरदस्त, अमेजिंग, वाओ। सहनसीब, समझ की सब सिर्फ आपकी वजह से पूरा हो सकेगा। आप ना बहुत अच्छे हैं। अब जितना जल्दी हो सके ना आप उसे मंगनी करें। मंगनी? क्या नाम था तुम्हारा? मोमी, तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ
ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए, है ना? नहीं तो, और वैसे भी आपने गानों के जरिए अपने ख्यालात बयान तो कर दिए, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। और वैसे भी मेरे कान मेरी आंखें आपके प्रपोजल के लिए मुंतजर हैं, इन तरफ से तो हाँ है। चार दिनों में मम्मी की बातें हो रही है, कमीना झूठा कुत्ता, मैं तो इसको इसकी ही अम्मी की राइफल से मार दूंगी। एक मिनट, आइडिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उसी को क्यों ना 1 2 3 कर दूं। बड़ी आई मेरे सरमत से मंगनी करने वाली। मोहम्मद बिन कासिम की अफवाज ने ठट्टा के करीब पड़ाव डाल लिया। दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया था। बहुत कड़ा वक्त आन पड़ा था। रात के अंधेरों में सिर्फ गीदड़ों के रोने की आवाज आती थी या फिर तीर और नेजे से जिस्म छलनी किए जा रहे थे। जुरत कैसे हुई मेरे सामने बैठने की? किसने दिया तुम्हें ये जुरत? अंजुम, आपने, आपके प्यार ने। आशिफ हुसैन, प्लीज प्लीज, सिर्फ आशिक का ये ना, आपका आशिक। मैं मानता हूं कि मेरी और आपकी उम्रों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन लेकिन आप जानती हैं, मेरी अम्मी जान कहती थी कि जब आंख दोनों तरफ लगी हो ना तो फिर प्यार कुछ नहीं देखता, ना उम्र ना रुतबा ना स्टेटस, फिर अंजुम कैसी अमीरी और कैसी गरीबी। वो तुमने तुमने जब से वो कबाब खाए हैं, जब से तुम्हें, तभी से मुझे कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। यकीन कीजिए अंजुम के अब तो मेरा सिर्फ दिल करता है कि आपका हुक्म माने। ओ मेरी जोहरा जबी तू है कितनी हसी और मैं जवान, ओ मेरी जान मेरी जान मेरी जान, ओ मेरी जान मेरी जान मेरी जान। बंगाली बीबी, ये उन्हीं का कमाल लगता है। क्या बात है आपकी बंगाली बीबी, नौहंजार लड़की आफत की परकाला कश्माला, अगर वो सफूफ से भरे हुए कबाब खा लेती तो आज हमारी वो ताबे होती, हमारी मुट्ठी में होती। अगर हम उससे कहते कि स्विमिंग पूल में कूद जा तो वो कूद जाती बगैर उफ किए। अब सिर्फ ये बताइए कि आपके खादिम के लिए आपका क्या हुक्म है? आशिक हुसैन, तुम ऐसा करो कि हमारे लिए हलीम, हलीम, हाँ तुम हमारे लिए हलीम बना कर लाओ। जो हुक्म आपका। अच्छा, हलीम वो जो गोश्त को उबाल कर दालों को भिगो कर
फिर इनका घोटा लगाकर, फिर तड़का डालकर फिर बनाई जाती है। हाँ हाँ वही हलीम, वही खाएंगे हम, हमारा वही खाने को दिल चाह रहा है, जाओ। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपके लिए नहीं, अभी लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जल्दी कोई नहीं है, आराम से। अगर तुम सारी रात घोटोगे ना हलीम को तो ज्यादा मजे की बनेगी। घोटते रहो और हम सुबह उठेंगे तो फिर नाश्ते में खा लेंगे, ठीक है? जो मेरी हसीना का हुक्म, खादिम हाजिर। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अरे रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इनवाइटेड नहीं थे पिकनिक पे। मुझे एक कश्माला ने बुलाया है बहुत इसरार करके। चलो कश्माला तो बेवकूफ है, उसने तुम्हें इनवाइट कर लिया, लेकिन तुम तो अकलमंद होने चाहिए हो ना। दो दिन अगर हम सब यहाँ पर तफरी करेंगे, सैर करेंगे, तो दफ्तर का काम कौन संभालेगा? सर ऑफिस दो दिन के बाद है, कल इतवार है और पीर को वैसे ही ऑफ है, आप भूल रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग वीकेंड। अब तुम मुझे बताओगे कि देर लगा दी आने में, मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी, तुम्हारे बगैर मजा ही नहीं आ रहा था। I'm so glad you're here। अच्छा ठीक है, वो रोशन का अच्छा चलते हैं ना, चलो मेरे साथ। तो वापस आए इसको तो फायर करूंगा और उसको फायर मारूंगा। Can't leave। ओए बात सुनो, गलती से भी मत सूंघना, मरवा जाओगे, क्लोरोफॉर्म है इसमें, ठीक है? मोमी को बस सुंघा देना, वो कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगी। मोमी बेबी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जो अमीर और बड़े लोग होते हैं उनका स्पोर्ट है, आगे से हटो, इट्स वेरी डेंजरस। आप लोग पहले मेरा शिकार करेंगे, उसके बाद मेरे सामने किसी पर देगा। बात को समझने की कोशिश करो प्लीज, जो हम दोनों एक दूसरे की तरफ मखनातीस की तरह खींचे चले आ रहे, प्यार नहीं तो और क्या है? कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। मुझे जो इस कदर जेलसी हो रही है ना मोमी से, शायद यही तो प्यार है। मैंने इतनी किताबों में, फिल्मों में यही तो होता हुआ देखा, पहले प्यार, फिर दूसरी लड़की की एंट्री, फिर जलसी, रकाबत, हसद, फिर आता है इंतकाम। मोमी की ऐसी की तैसी, उसे तो इधर से जाना होगा। ए, कहाँ जा रही हो? वो बाजी वहां पे एक झोपड़ी है, मुझे तो लगता है वहां पे किसी भूत वूत का साया है। मैं तो जा रही हूँ बाजी बेगम को बताने, जरूर किसी जिनवन का चक्कर है। और वो जब से आशिक हुसैन ने यहाँ पे खाना खाया है ना, अजीब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। हरकतें? क्या हरकतें कर रहा है? वो आलू काटते काटते उसने अपना हाथ काट लिया और गाना गाया जा रहा है और किसी का नाम लिए जा रहा है। वो किसका नाम ले रहा है? रोशाने का? अरे नहीं, अब मैं कैसे बताऊं कि वो किसका नाम ले रहा है? किसका बताओ ना। बाजी बेगम का। अंजुम, अंजुम। ये अच्छा। ओए, मेरे पास एक आइडिया है, प्लान ये कि हम सब मिलके अगर ये करेंगे ना तो वो मोमी है ना, उसका पत्ता काट देंगे, क्या बोलती हो बाजी? अच्छा जल्दी जाके आशिक हुसैन को बुलाओ, उसे को के कश्माल अभी भी बुला रही है। अच्छा अभी बुला के लाइन में। गुन्ना जी, बाजी बेगम सरमद में तैयार हो गए? जी बिल्कुल।
कहाँ रह गए ये दोनों? आपने मुझे बुलाया बॉस? ये हुमा बता रही थी मेरे को। हाँ, कब से बुलाई जा रही हूँ, कब से बुलाई जा रही हूँ, आ ही नहीं रहे हो। अच्छा बात सुनो, कोई ऐसा बहाना बनाओ कि वो मोमी भागती नहीं आ जाए। जी बाजी बेगम, ऐसा बहाना बनाऊंगी भागी चली आएगी वो। और उसके बाद क्या हुकुम है बॉस? टेन 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 म्यूजिक भी डाला था। उसके बाद का काम मुझ पे छोड़ दो जानी। ओए हाँ, सांस आ रही है? हाँ हाँ ना, हाँ बस ज्यादा नहीं। हाँ, डाकू लग रहा है। और ये लो, और बात सुनो, इसे गलती से भी मत सूंघना। थैंक यू बॉस। टैंक टैंक टैंक। लेकिन मैंने अभी उतार दिया बॉस, मेरे को थोड़ी सी गर्मी बहुत लगती है। बोले तुम वहां छुपे होगे इस रुमाल के साथ। कौन सा वाला रुमाल? ये वाला? नहीं, मेरा मतलब है कि ये रुमाल और ये बोतल क्या कोई स्पेशल चीज है? ओए बात सुनो, गलती से भी मत सूंघना, मरवा जाओगे। क्लोरोफॉर्म है इसमें, ठीक है? मोमी को बस सुंघा देना, वो कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगी। लेकिन उससे क्या होगा बॉस? फिर कोठी से रफू चक्कर हो जाएगी वो, इससे ये होगा। और हम चैन की बांसुरी बजाएंगे, नो टेंशन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो क्या है ना कि बांसुरी तो लाई नहीं, हम लोग बजाएंगे क्या? नहीं, अगर आप बोले तो मैं इस पे ट्राई करके देखूं। पागल पागल हो गए हो क्या? इसे सुंघा दिया, लुढ़क जाएगी बेचारी। बस जो भी करना है ना, शाम के बाद करना, सुबह सुबह में मत करना। ओके बॉस। टेन टेन टेन। बस यार अपना थीम सॉन्ग बंद कर, जा यहाँ से। अभी तो हमने एक मुर्गा भी यहाँ देखी थी, कहाँ चली गई वो? यही थी कहीं बाथरूम बाथरूम। अरे बोए 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 बेगम, ये आप क्या कर रहे हैं? इसे शिकार कहते हैं नादान लड़की, हमारा तो ये रूटीन है। हर साल हम इस मौसम में यहाँ आकर मुर्गाबियों और तीतरों का शिकार करते हैं। वो जान, आप जानती हैं कि जानवरों को मारना या परिंदों को मारना कितना बड़ा जुर्म है? और हमें ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद, इन चीजों को खत्म करने के लिए तो हम मुहिम चला रहे हैं। मोमी बेबी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जो अमीर और बड़े लोग होते हैं उनका स्पोर्ट है, आगे से हटो, इट्स वेरी डेंजरस। आप लोग पहले मेरा शिकार करेंगे, उसके बाद मेरे सामने किसी परिंदे का? मेरे सामने शिकार नहीं किया जा सकता। एक्चुअली शी इज राइट अमी बेगम। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। देखो ऐसे मासूम जानवरों का शिकार नहीं किया जाता। मोमी बेबी, आप मेरे साथ आओ, मैं अच्छा सा म्यूजिक सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी पेंटिंग की कलेक्शन दिखाता हूँ। कम कम बेबी कम। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तो समझा था तुम मुझे देख के खुश होगी। तो चलो आओ बैडमिंटन खेलते हैं। जी नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है बैडमिंटन खेलने का। मुझे अम्मू याद आ रही हैं। यहाँ पे मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, कश्माला भी अपने चक्रों में बिजी हुई हुई है। और मैं हूं ना। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही को मिस कर रही थी। मैं भी। सब चलें। जिन बच्चियों से अभी तक बात नहीं हुई मेरी, बात हो जाती तो तसल्ली भी हो जाती।
पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा। समिया तुम बच्चों पे एतमाद करो जरा। समिया मैं गलत था कि मैंने कहा था कि सौतेला बाप क्या देखभाल करेगा उनकी। अली तुरा आपको देख के तो शर्मिंदगी से समंदर में डूब जाने को दिल करता है। बहुत ही अजीम शख्स है वो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी जब से यहाँ आई हूँ मुझे औरंगजेब की बातें और उनसे किए हुए वादे बहुत याद आ रहे हैं। पता है कभी कभी मुझे लगता है जैसे औरंगजेब अली तुराब में ढल गए हैं। मैं भी यही कहने वाला था, कितने दिनों बाद भाई बहन साथ बैठे बातें कर रहे हैं। काश अम्मी अब जिंदा होते। अम्मी उम्र के इस हिस्से में आके मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने उनका हक अदा नहीं किया, अपनी दुनिया अपने झमेलों में मसरूफ रहा। इस तरह मत सोचा करें भाईजान, सिर्फ अम्मी और अब्बा की मगफरत के लिए दुआ किया करें। आपके पैसे आने थे ना दुबई से, क्या हुआ उनका? हाँ वो हाँ उसमें कुछ मसला हो गया था। ऊपर से लॉकर की चाबी गुम हो गई। खैर मैंने फोन कर दिया अपने लॉयर को। वो क्यों समय अब मट्टी डालो बजी की वसीयत पे। अब क्या क्यों मट्टी डालें भाईजान, आखिर पता भी तो चले कि उस वसीयत में क्या है, आपके लिए क्या लिखा था अब्बा ने। और दूसरी बात, आपके लिए बिजनेस करना बहुत जरूरी है, इस तरह फारिग बैठना ठीक नहीं है। Yeah, what's wrong, Skomba? Stream? Azad Star. Okay, all right. Yeah, take care, bye. Hey, excuse me! Come back here. कहाँ से आ रही हो तुम? Oranges चोरी कर रही थी हमारे बागात से? मेरे रोहान को oranges बहुत पसंद है, उसी के लिए लेके जा रही थी। अबे उस गधे को क्या पता जूस कैसे निकाला जाता है, इधर लाओ। वैसे की बात ये है कि मेरी मम्मी को भी ऑरेंजेस बहुत पसंद है। इनफैक्ट उसने मुझसे कहा था कि उसे ऑरेंज जूस पीना है ब्रेकफास्ट में, तो मैं भी उसके लिए इसीलिए ये लेकर जा रहा हूँ। किस कदर ऑर्गेनिक चलती है, इतनी जलने की बू आ रही है। ओह माय गॉड, आर यू जेलस ऑफ रोहान? पता क्या हुआ है, मम्मी के प्यार में मैं सिर्फ अंधा ही नहीं गूंगा और बहरा भी हो गया हूँ, इसलिए तुम जो भी बोल रही हो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और जलने की बू तो वैसे भी मुझे सुनने में ही नहीं आ रही है, मुझे लगता है तुम्हें अपने उस कंचे बागड़ बिल्ले को जाकर देखना पड़ेगा कहीं वो जल ना रहा हो। इधर दो ये मेरे। ए, ए, चोर। क्या करूं, किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही है ये। मैं देख रहा हूँ तुम दिन ब दिन बदलती जा रही हो। क्या मतलब, क्या मेरे सर पे सींग निकल आए क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तुम 2 महीने पहले हमारे घर आई थी तो काफी अपसेट रहा करती थी, हर वक्त खोई खोई सी रहती थी तुम। अच्छा तो क्या अब मैं एंजेलिना जूली लगने लगी हूँ? उससे भी खास, उसने पता ही लड़कियाँ खूबसूरत कब नजर आती हैं, जब उनमें कोई अदा हो, कोई स्टाइल हो जो दिल को लुभा जाए। रुहान आप मौका पाकर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना? नहीं तुम ये कहकर मेरी तौहीन मत करो, उसका ये कहना चाह रहा हूँ तुम बदल कर कश्माला जैसी ना हो जाओ। क्या मैं और कश्माला जैसी? ये हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता ये। मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारी कसम। आप ये कहिए कि आपने मुझ में अपने महबूब को तलाश कर लिया, और कश्माला तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है मुझसे, हर वक्त तो वो ओवर होती रहती है, उसके बाल अलग हैं, उसके बात करने का तरीका सब कुछ अलग है, मैं उसकी तरह कभी नहीं हो सकती। रोशाने बात को समझने की कोशिश करो प्लीज, ये जो हम दोनों एक दूसरे की तरफ मखनातीस की तरह खींचे चले आ रहे हैं प्यार नहीं तो और क्या है? रोहान प्लीज मुझसे वो बातें ना करें जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी दिखाने की? अब हो गई नाराज। सुनो, तुम मोमी से मिले हो? यार देखा तो है लेकिन बातचीत नहीं हुई। मिलवाओ यार जरा अपनी कजन से। मेरे दिल की बात करती तो अभी बुलाता हूँ, देखता भागती भागती आएगी। मोमी के मन मर जाए, हाँ मर जाए, के मन मर जाए, जाए। ओ मम्मी भी उधर है उस तरफ। क्यों उस तरफ क्या है? वो वहां ना एक बकरी का मासूम सा बच्चा बहुत रो रहा है, लगता है उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई है। बेचारा बहुत चिल्ला रहा है, चले उसे चल के बचाएं। चलो चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन मैं सरमत को बुला कर लिया। अरे नहीं नहीं, अगर वो रो रो के मर गया तो उसके खून का हिसाब कौन देगा? सारा गुनाह आपके सर आएगा। छोटे साहब को रहने दे, वो बाद में आ जाएंगे। अब चले उधर उस तरफ। का बच्चा तो यहीं था, आवाज भी यहीं से आ रही थी, क्यों यहाँ तो कोई नहीं। बॉनफायर के बजाय मेरा दिल जिगर खुर्दा जला लो, पहले ही से जलकर कबाब हो रहे हैं। रोहान थक गए हो ना, भूख लग गई होगी। हाँ यार, क्या है ना यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, इसलिए खामखा भूख लग रही है। सही कह रहे हो, यहाँ मेरी भूख और प्यास मर गई है, और ये विलन मासूमियत से यहाँ बैठा हूँ। कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने आप से बात कर रहा था, मुझे आदत है अपने आप से बात करने की। यार वो तो अच्छा हुआ कश्माला ने मुझे यहाँ बुला लिया, मुझे भी एक ब्रेक मिल गया, वरना शहर की लाइफ तो तुम्हें पता है ना कितनी टफ है यार, हर वक्त की भाग दौड़ कुछ नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो भी कह रहे हो। अच्छा रोहान सुनो, तुम मोमी से मिले हो? यार देखा तो है लेकिन बातचीत नहीं हुई। मिलवाओ यार जरा अपनी कजन से। मेरे दिल की बात करती तो अभी बुलाता हूँ, देखता भागती भागती आएगी। मोमी मोमी आ जाएगी प्यार से। मोमी डार्लिंग, मोमी डार्लिंग आ जाओ, क्यों बेइज्जत करा रही हो? आ रही होगी, निकल पड़ी होगी, थोड़ी स्लो है, पहुंच जाएगी। मोमी मेरे ख्याल से थोड़ा ऊंचा सुनती है मम्मी। मम्मी हमारी जिम्मेदारी है, आसपास के सारे लोग हमें जानते हैं, तो आखिर ये वारदात हुई कैसे? सनी अम्मी बेगम, लेकिन आपने पुलिस को या मामू को किसी को फोन करके बताया? उस्ताद है? उस्ताद है? क्या हो गया बाबा, उठो। यानी कि आप जानते थे, आपने लॉकर से ये वसीयत निकाल कर पहले ही पढ़ ली थी, तभी मैं कहूँ कि मेरे साथ इतना लाड इतना प्यार क्यों जताया जा रहा है। अगर माल वापस चाहिए तो 50 लाख 50 लाख ले।
मैं यहाँ से 100 गज के फासले पर एक नीले रंग के मकान में कैद हूँ?